पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को अपने आवास सौराई में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, जबकि भाजपा सरकार चुनाव में विकास के मुद्दे पर दूर कर राजनीतिक दलों पर कीचड़ उछालने का काम कर रही है। चुनाव में अभिनंदन को लाने के लिए जरूरत नहीं है, बल्कि आने वाले नस्लों को सुधारने की जरूरत है। पूर्व मंत्री ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा झूठ बोलने की मशीन है और बिहार में कोरोना की फ्री वैक्सीन देने की बात जनता के साथ छलावा है। क्या बिहार के लोगों को वैक्सीन देगी और यूपी के लोग कहां जाएंगे? अभी वैक्सीन बना ही नहीं तो देंगे। कहा कि उन्होंने बिहार में तेजस्वी को अलग जगाया गया है। पूर्व मंत्री जी ने कहा कि जौनपुर के मलनी सहित यूपी में सातों विधानसभाओं में हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। मलनी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रतिशाली लक्की यादव के प्रचार में लोगों से जिताने की अपील किया। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री प्रतिनिधि मुन्नू सिंह, सरफराज खान, जमशेद, अनिल यादव आज लोग इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ या विकास का, मोदी जी ने जो विकास का नारा दिया, न बुलेट ट्रेन चली दिखाई दी, न अच्छा दिन आया, न किसान की आमदनी दुगनी हुई, न 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और न किसान खुशहाल हुआ। ये उपचुनाव है जो चुनाव के पहले का ट्रायल है, जिसमें समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ, मैं मल्हनी चुनाव में गया था, लक्की यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो और हम लोगों के पूर्वांचल के मजबूत नेता श्री पारस यादव जी का बेटा है और समाजवादी पार्टी हमेशा जीतने का काम की है, तो चुनाव हम लोग पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त कराने की स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे से अलग है। विकास नहीं, नौजवान की नौकरी नहीं, किसान की आमदनी दुगनी नहीं, और लाइन हालत इतना खराब है कि थाना का थानेदार सुल्ताना डाकू की तरह डकैती डाल रहा है। तहसील में खुलेआम लेखपाल कांगो गरीबों का दोहन कर रहा है और पूरी की पूरी सरकार फेल है, और उसी में आज लक्की यादव चुनाव भारी बहुमत से, जो उनके पिताजी भी नहीं जीत पाए थे उससे अधिक बहुमत से लक्की यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं। और सातों रामपुर छोड़ दिया जाए, वहां भी चुनाव होता तो अब्दुल्ला को जीतने से रोक नहीं सकता। पूरा उत्तर प्रदेश में बदले की भावना से काम करना, गंदा काम करना, नफरत वादे से मुंह करना, सब काम भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए 4 साल में उत्तर प्रदेश को पढ़ ली जनता और 6 साल से भारत सरकार को। नोटबंदी से किसको फायदा हो गया, दुनिया हो गए, वो कहाँ है? आज एक हफ्ता से पंजाब जो सबका पेट भरता था, आज आंदोलन तरफ बिहार में तो बीजेपी का एक प्रभाव वहाँ पर मोदी कोरोना का जांच फ्री करा नहीं पा रहे हैं, अभी वैक्सीन गर्भ में नहीं है, तो कहां से वैक्सीन? खाली बिहार को वैक्सीन देके फ्री, तो और प्रदेश के साथ अन्याय नहीं है। मोदी जी को कहना चाहिए था कि यदि वैक्सीन बना तो हम देश के पैमाने पर निःशुल्क वैक्सीन देने का काम करेंगे। बिहार के भाइयों, हम बिहार में फ्री, हमने कहा रानीत का पुराना ठग फिर रूप नया बदल गया है। मोदी जी रानीत के सबसे मजबूत ठग है, ये ठगना जानते हैं। गुजराती भाई हैं, कैसे धंधा किया जाता है, रानीत को भी धंधा बना दिया। रानीत सेवा भाव था, जहाँ आदमी काम करता है दूसरे के लिए और पहचान अपनी बनती से रानीत कहा जाता है। लेकिन बाहर मोदी जी हम महान हो कि सत्ता के लिए पता ना कितनी बार किसको ठगोगे हम बता नहीं सकते। सरकार ने पराली पर रोक लगा दिया है और किसानों पर सैटेलाइट के माध्यम से नजर रखा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? भाई लगाई है
तो इसको ये बताना चाहिए कि हम इसका उपाय क्या कर रहे हैं। इस सरकार में दर्द किसी को है दवा कोई खा रहा है, न दर्द ठीक हो रहा है न दवाई का फायदा ही ठीक है। अब पराली की समस्या है तो उसके लिए आप यंत्र दिए, गांव स्तर पर बंटवाए, कह रहे किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी और धान खरीदारी के लिए व्यवस्था सुनिश्चित नहीं, तो आमदनी दुगनी कैसे होगी। नेताजी 75 शिक्षक भर्ती जो हुई उसमें 30,277 कम मेरिट वाले हो गए और अधिक मेरिट वाले बाहर हो गए हैं, इसके बारे में इस सरकार में सूरदास आके ऑपरेशन कर रहे हैं, हाथ फूटना तय है, बजट तो अल्लाह की मेहरबानी है, इसलिए कि मोदी जी भी जहाँ से पढ़े हैं वो बताते नहीं कहाँ से पढ़े हैं, और योगी जी भी जिस विद्यालय से पढ़े विद्यालय पढ़ने के बाद बंद हो गया, और यानी स्मृति जी भी शिक्षा मंत्री रही है वो अपने से मार्कशीट बना ली, और जो अभी भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी हैं वो संगीत के टीचर हैं सर पोखरिया जी, संसम हमारे मित्र हैं मेरे साथ रहे हैं, ये इंटर कॉलेज में संगीत के टीचर थे, अच्छा कथक करते हैं, इनको किसी ने बता दिया है कि भारत सरकार में भी कथक करिएगा तो ठीक रहेगा, तो वो भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को बंद कर दिया, UGC अब कलाम आजाद ये सब लोग आजादी के लड़ाई के योद्धा थे, से कमजोर थे क्या पढ़ने लिखने में, हम निशंक साहब इंटर कॉलेज में संगीत के टीचर हैं, परिवार पर आ गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताओ परिवार बात कौन नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी में महाजन की बेटी नहीं है क्या, जेटली की बेटी नहीं बनी है क्या, अमित शाह का बेटा बनाए नहीं है क्या, अब मोदी जी के कोई बेटे नहीं है तो हम लोग कहां से बेटा लाए, ये नहीं है तो उसे बच्चे नहीं पैदा हुआ, राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है क्या, आज बिहार में अकेले लड़ रहा देश में महागठबंधन के साथ और समाजवादी पार्टी का समर्थन है, और ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता बतावे जिसका बेटा MLA MP और मंत्री ना हो, टंडन जी का बेटा नहीं है क्या, कल्याण सिंह जी का बेटा नहीं है क्या, ये बात आपके बीच सुन रहा हूँ, जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ, अब मोदी जी के पास तो बेटे नहीं है, अटल जी के पास बेटे नहीं था, तो क्या अपने भतीजा को और भांजा को नहीं दिए क्या टिकट, तो ये एक सारा सब अब कायदे में कहा से अभिनंदन आ गए, चुनाव 3 सवाल पर फंसा है, 2 करोड़ लोगों का रोजगार, किसानों की आमदनी दुगना और गरीबों को 15 लाख रुपया, ये तीनों चीज दे नहीं पाए, तो सवाल जब वहां फंसा है और समाजवादी पार्टी धुआधार अपने मिशन में काम कर रही है, और 2022 केवल केवल उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का होगा और बिहार में परिवर्तन की जो धरती है वहां से जो बिगुल फूकी है अकेले तेजस्वी पूरी तरह मोदी जी का भारत सरकार प्रोसीजर में कौन चढ़ता, आम आदमी गरीब आदमी जिंदा न कोई अपना है न सपना है, अभी लॉकडाउन की स्थिति है हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, नहीं तो यही भारतीय जनता पार्टी कहेगी ये राष्ट्रद्रोही काम से इनसे कोरोना में लोग मरने का काम करें, इसलिए हम नियम से बंधे हुए लोग हैं, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठते, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और ये काम नहीं करते तो आपको बुलाते कैसे, मैं इसके लिए लगातार प्रयासरत हूँ, यहाँ से जो सांसद लोग हैं उनसे भी कह रहा हूँ, यहाँ के जो मंत्री महेंद्र पानी जी उनसे भी कहा हूँ ट्रेन चलनी चाहिए, वीरेंद्र सिंह सांसद हैं उनसे भी कह रहा हूँ, भाई आप जो देश की पंचायत में हो रेल मंत्री से बताओ कि पैसेंजर ट्रेन में आम आदमी चढ़ता है, मोदी जी चाय बेचने वाले का बेटा है, उनको नहीं मालूम कि ट्रेन में कौन चढ़ता है और पैसेंजर में कौन चढ़ता है, आज बक्सर भदौरा गहमर जवानिया शकल लिया धीना वो बनारस जाने के लिए 3,000 से 5,000 की गाड़ी का भाड़ा दे के जाना पड़ता है। नेताजी बसपा अध्यक्ष आरोप लगाएंगे कि सपा ने हमारे साथ विधायक तोड़े हैं, इसके लिए मैं बदला लूंगी चाहे भाजपा से मिलना पड़े, इसके बारे में देखिए कोई नया काम तो कहीं नहीं है,
तीन बार मिल चुकी है, चौथा बार मिलेंगे तो कोई नया काम थोड़ी करेंगे, तो उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। और उनके भाजपा के बसपा के विधायक कौन तोड़ रहा, हलचल मची है। आदमी को भगवान बोलता नहीं तो क्या देखता भी नहीं है कि जनता जो भगवान के लिए है या जो विधायक को नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर है। तो लोगों को महसूस हो रहा है कि बसपा भाजपा के बीच चिन्ह के रूप में